अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जो ये सोचते हैं कि सिर्फ फंडामेंटल या सिर्फ एमएसएन पर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, उससे ज्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि इन्हीं में से सारा वेटेज आता है, या वो कोचिंग वाले जो आपको बोलते रहते हैं कि नहीं नहीं बेटा सिर्फ एमएसएन पढ़ लो, सिर्फ फंडामेंटल पढ़ लो, बाकी सब्जेक्ट पे ध्यान देने की जरूरत नहीं, बाकी नहीं भी आती तो काम चल जाएगा क्योंकि इन्हीं से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनसे तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स हैं तो प्लीज 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 अपनी जो स्ट्रेटेजी उनको इम्प्रूव कीजिए। और मैं तो ये कहूंगा ना कि अगर आप नॉर्सेट के लिए सीरियस हैं और नॉर्सेट की आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप एक सीरियस स्टूडेंट है, तो आपके लिए तो कोई भी सब्जेक्ट फेवरेट या कोई भी ऐसे सब्जेक्ट नहीं होनी चाहिए जिससे आप हेट करते हैं, ठीक है। और उसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये होता ना कि नॉर्सेट का पैटर्न हर बार चेंज होता रहता है, और चेंज होने का मतलब ये नहीं होता कि वो अपने वो चीजें पूछेगा जो हमने कभी पढ़ी नहीं, पढ़े जो हमने पढ़ी है चीजें जो हमारे सिलेबस में वही चीजें पूछने वाला है, बस ये होता है कि किस सब्जेक्ट को वो किस टाइम पे ज्यादा वेटेज देता है वो उनके हाथ में होता है, हमें नहीं पता होता कि इस बार नॉर्सेट में क्या आने वाला है एग्जैक्टली, ठीक है। तो इसीलिए ये होता ना कि हम प्रीवियस ईयर के जो टॉपिक्स हैं उनको एनालिसिस करके एटलीस्ट उन टॉपिक्स को उन क्वेश्चंस को हम रिवाइज करके जाएं और उन्हीं के बेसिस पे अपनी हम प्रिपरेशन को एक डायरेक्शन दें। और साइकेट्री भी ऐसा ही सब्जेक्ट है, रिसेंट में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं साइकेट्री से। वो ये कहता ना वो एरा गया जब साइकेट्री से सिर्फ टर्म्स के बारे में बात होती थी या सिर्फ वन लाइनर दे देते दे थे, अब ये होता ना कि एम्स ऐसे क्वेश्चंस भी फ्रेम करने लग गया है जो कंसेप्चुअल है, जो जिनके बारे में आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए। जैसे डिमेंशिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे दिया और उसी से रिलेटेड चार ऑप्शन दे दिए, तो उसमें से आपको प्रायोरिटी चीज पूछ लिया ना कि आप किसको प्रायोरिटी दोगे या कौन सा गलत है या इनमें से एलिमिनेट करो कि कौन सा सही नहीं है। इस टाइप के भी क्वेश्चंस बहुत सारे फ्रेम हो रहे हैं आजकल। और तो मैं तो ये कहूंगा कि साइकेटिक तो एक बहुत छोटा और बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, लेकिन अपनी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है नॉर्सेट की प्रिपरेशन में, ठीक है। तो उसी सीरीज के रिगार्डिंग साइकेटिक में आज लेके आया हूँ, ठीक है। तो साइकेटिक में क्या होता है कि अच्छे क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, जैसे कि आपका ये टॉपिक है सिजोफ्रेनिया से रिलेटेड, ठीक है। तो सिजोफ्रेनिया में आपके टाइप पूछ लेते हैं, सिजोफ्रेनिया होता क्या है, ट्रीटमेंट मॉडलिटीज के बारे में क्वेश्चन फ्रेम कर लेते हैं, या सिजोफ्रेनिया से रिलेटेड एपिडेमियोलॉजिकल डेटा से भी क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं आज तक, ठीक है। तो ये सिजोफ्रेनिया के बारे में हर एक एस्पेक्ट में आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि सिजोफ्रेनिया आपके टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्टार मार्क टॉपिक है, ध्यान रख लेना। डेल्यूजन हर बार ये कह सकते हो कि एम्स का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक होता है, डेल्यूजन और हेल्यूनेशन, ठीक है। डेल्यूजन और हेल्यूसिनेशन से रिलेटेड आज तक तो बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं, तो डेल्यूजन के कौन कौन से टाइप होते हैं, ठीक है, और कुछ टाइप्स में उनके स्पेसिफिक साइंस भी पूछ लेते हैं, ठीक है। और मतलब ये होता है ना डिजीज रिलेटेड कौन कौन से स्पेसिफिक डेल्यूजन होता है, ये सारे टॉपिक्स पूछ लिए जाते हैं, ये सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हेल्यूसिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हेल्यूसिनेशन में पूछ लिए जाते हैं अलग अलग डिजीज से रिलेटेड कि कौन से डिजीज में किस टाइप का हेल्यूसिनेशन मोस्ट कॉमन होता है, जैसे कि एल्कोहलिज्म में आगे पढ़ेंगे, एल्कोहल में क्या होता है, एल्कोहलिज्म में जैसे ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन होता है वो मोस्ट कॉमन होता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। नेक्स्ट होता है एंटीसाइकोटिक। एंटीसाइकोटिक तो मैं कहूंगा ये फाइव स्टार टॉपिक है नॉर्सेट का, ठीक है। एंटीसाइकोटिक और एंटी डिप्रेशन से तो हर बार क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना 101% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एंटीसाइकोटिक में एंटीसाइकोटिक्स के टाइप से पूछ लिए जाते हैं, जैसे टिपिकल और एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स होती है, हैलोपेरिडोल, क्लोजेपाइन, ये रिसेपेरिडोन, इन सारे ड्रग से हमेशा क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं, इनकी यूजेस पूछ लेते हैं, इनके साइड इफेक्ट्स के बारे में क्वेश्चंस फ्रेम कर लेते हैं, ठीक है। कौन सी डिजीज के लिए कौन सी एंटीसाइकोटिक मोस्टली यूज की जाती है, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस पूछ लेते हैं एंटीसाइकोटिक्स में, कौन सी पर्टिकुलर डिजीज के लिए कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी, तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज तक, तो पढ़ो इनको अच्छे से। और डिप्रेशन एंड बाइपोलर डिसऑर्डर्स मैं तो कहूंगा अगेन फाइव स्टार टॉपिक है नॉर्सेट का। डिप्रेशन है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, जैसे मेनिया होता है इसमें, ठीक है। इनसे तो क्वेश्चन फ्रेम होते ही होते हैं, डिप्रेशन से तो हर बार क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, जैसे कोई भी पेशेंट है तो डिप्रेशन उसके सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, इनके स्पेसिफिक साइंस पूछ लेते हैं, इनकी ट्रीटमेंट मॉडलिटीज पूछ ली जाती है, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। एंटीसाइकोटिक थेरेपी सारी पढ़ लेना, एंटीसाइकोटिक थेरेपीज में तो क्वेश्चन पूछे ही पूछे गए हैं, ठीक है। और ईसीटी बहुत अच्छा टॉपिक है पढ़ने के लिए, ईसीटी के टाइप्स पूछ लिए जाते हैं, ईटीसी जो ईसीटी होती है, या आपको पता होनी चाहिए ना कि ईसीटी कैसे यूज की जाती है, इसके इंडिकेशन पूछ लिए जाते हैं, जो मोस्ट कॉमन इंडिकेशन है होता है ईसीटी का वो पूछ लिया जाता है, उससे क्वेश्चन बने आज तक। लिथियम बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है पढ़ने के लिए साइकेट्री के अंदर, लिथियम से उसकी डोज पूछ ली जाती है, लिथियम का ये होता है ना कि टॉक्सिसिटी के बारे में क्वेश्चन बन जाते हैं, जब टॉक्सिसिटी हो जाती है तो उसका मोस्ट कॉमन साइन कौन सा होता है, मोस्ट कॉमन होता है ना मोस्ट कॉमन क्लिनिकल साइन कौन सा होता है, और जब टॉक्सिसिटी हो जाती है तो उसको ट्रीट कैसे करते हैं, ब्लड लेवल्स इसके नॉर्मल कितने होते हैं, एबनॉर्मल ब्लड लेवल कितने होते हैं, कितने ब्लड लेवल के बाद में इसकी टॉक्सिसिटी होगी, तो ये सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस के बारे में पूछ लिया जाता है लिथियम की, लिथियम कौन सा डिजीज में ड्रग ऑफ चॉइस होती है, तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज तक, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, ये है कि
आज तक जो भी पेपर आए हैं प्रीवियस ईयर में, मैंने उनको एनालिसिस किया और मैंने यही देखे कि ये सारे टॉपिक हर बार रिपीट हो रहे हैं। मैंने अपने पहले वाले वीडियो में भी बोला कि 60% 50% टॉपिक्स हर बार रिपीट होते हैं, 15 से 20% तो क्वेश्चंस एग्जैक्टली रिपीट होते हैं। तो इसीलिए तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स को आप एनालिसिस करो। और एल्कोहलिज्म मैं तो कहूंगा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है NORCET का। जो एल्कोहलिक बंदा होता है, एक्यूट एल्कोहलिज्म, क्रॉनिक एल्कोहलिज्म के बारे में पूछ लेता है, इनके विड्रॉल सिम्टम के बारे में पूछ लिया जाता है, टॉक्सिसिटी के बारे में क्वेश्चन फ्रेम कर लिए जाते हैं, इनके ट्रीटमेंट मॉडलिटीज के बारे में क्वेश्चन फ्रेम कर लिए जाते हैं, इनके जो विड्रॉल सिम्टम होते हैं उनके लिए स्पेसिफिक कौन कौन से ट्रीटमेंट होते हैं उनके लिए आपको पढ़ना है, वर्निकेज के एनकेफेलोपैथी के बारे में पूछ लिया जाता है, थायमिन ट्रीटमेंट इसमें यूज किया जाता है तो थायमिन की डोज पूछ ली जाती है, तो ये सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से रिलेटेड, अलग अलग टाइप के जो ग्रुप है, ग्रुप बी ग्रुप सी में जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर रखे गए उनकी डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछे, या कुछ लाइंस दे दी उनको आपने पूछ लिया कि ये कौन सा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है बताओ, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स पूछे गए, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा और पाई का, ये जो ईटिंग डिसऑर्डर होता है ना, ये तो 5-स्टार टॉपिक है NORCET का। एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, पाई का, ये जितने भी ईटिंग रिलेटेड डिसऑर्डर है इनसे हर बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जागो, मैं तो कहता हूँ जाग जाओ, ये सारे टॉपिक्स रट डालो, अभी रट डालो हाथों हाथ, क्योंकि ये होता है ना कि ये वो टॉपिक है जो हाई यील्ड टॉपिक्स, इनमें से क्वेश्चन आने ही आना है, चाहे आपने किसी भी लेवल की प्रिपरेशन करी हो, ये टॉपिक्स रिवाइज ये है ना करके ही जाना, नोट्स से पहले मस्ट है करके ही जाना। और ये होता ना कि आप ये सोचते हो कि बस हमने तो प्रिपरेशन कर ली, या फिर आप वो टाइप के बंदो कि नहीं हमें तो सब कुछ आता है, हमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें आप कौन हो तो सर हमें बताने वाला, हमें तो सब कुछ आता है, तो इस तरीके की पर्सनालिटी अपनी मत रखो, ठीक है। ये होता है कि चीजें जहां से मिलती है सीख लो, बस आपका पर्पज होना चाहिए, लर्निंग पर्पज होना चाहिए, आपका एटीट्यूड लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। और मैं ये सारे टॉपिक इसलिए लेके आया हूँ कि आप लोगों की हेल्प हो जाए, एटलीस्ट आप NORCET से पहले इन टॉपिक्स को रिवाइज कर लो, और एटलीस्ट ये होता है कि अपनी एक्यूरेसी पे काम करो, आप एक्यूरेसी आपकी अच्छी हो जाए, इसीलिए मैं ये, क्योंकि ये होता है ना कि आपने इतना सारा सब कुछ पढ़ा होता है, ऐसा तो है नहीं कि हर एक टॉपिक NORCET के लिए इंपॉर्टेंट हो, आपके लिए ये जानना है कि NORCET के लिए कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना कौन सा नहीं पढ़ना, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। और जब आपको पता होता है कि ये NORCET में पूछे गए हैं टॉपिक्स, उनको तो आपको पढ़ के ही जाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तो मेंटल रिटार्डेशन है, उसको नई टर्म दी है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, उससे रिलेटेड पूछ लेते हैं, उसकी कट ऑफ पूछ लेते हैं कि मेंटल रिटार्डेशन का जो स्कोर होता है ना कि आईक्यू लेवल के हिसाब से पूछ लिया जाता है, ठीक है। और मैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से कुछ टर्म्स रिलेटेड क्वेश्चन बने ही आज तक, डिमेंशिया डिलीरियम अगेन बहुत, ये मैं कहूँगा 5-स्टार टॉपिक है NORCET का, डिमेंशिया डिलीरियम से रिलेटेड सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, इसकी ट्रीटमेंट मॉडलिटीज क्या क्या होती है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, सब कुछ आपको पता होना चाहिए, सब कुछ आपके टिप्स पे होना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ, ठीक है। और ये टॉपिक साइकोसोशल एंड साइको एनालिटिकल थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एरिक एरिक्सन जो सिगमंड फ्रॉयड ने दी थी थ्योरीज वो पढ़ लेना, सारे एज ग्रुप के हिसाब से उन्होंने क्या क्या बताया था सब कुछ पढ़ लेना, वो दो टेबल्स है ना उनको रट लेना, बस दो इंपॉर्टेंट टेबल्स इनकी बनी हुई है उनको तो बस रट लेना कि कौन से एज ग्रुप के लिए उन्होंने क्या क्या बताया है, ठीक है। तो वो सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। डिफेंस मैकेनिज्म अगेन 5-स्टार टॉपिक है NORCET के लिए, डिफेंस मैकेनिज्म से किसी ना किसी डिजीज से रिलेटेड या डायरेक्ट डिफेंस मैकेनिज्म को देखे पूछ लिया क्वेश्चन की ये डिफेंस मैकेनिज्म कौन सी है, डिफेंस मैकेनिज्म जो होती है एक्चुअल में उसकी डेफिनेशन को देखे पूछ लिया कि कोई ये कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म है बताओ, तो डिफेंस मैकेनिज्म तो आपको पता ही होनी चाहिए। फोबिया से रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं बहुत सारे, फोबियाज आपको सारे पता होने चाहिए, ठीक है। कुछ 8-10 इंपॉर्टेंट फोबियाज है उनको तो आप ध्यान में रखना, माइंड में ही रखना, बस आया और झट से उसका आंसर दिया, बस ऐसे होना चाहिए आपकी साइकियाट्रिक, ठीक है। ऑटिज्म एंड ADHD बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑटिज्म की डेफिनेशन से पूछ लिया या ऑटिज्म के कुछ सिम्टम्स लेके ऑटिज्म के बारे में पूछ लिया, ADHD के बारे में पूछ लिया, ADHD की मॉडलिटी ट्रीटमेंट मॉडलिटीज के बारे में पूछ लिया। तो मैं तो ये कहूंगा कि देखो जितने भी टॉपिक्स पढ़ो, जैसे ये लास्ट टॉपिक है सुसाइड है, तो सुसाइड रेट से रिलेटेड, सुसाइड के एपिडेमियोलॉजिकल डेटा से रिलेटेड, सुसाइड की डेफिनेशन, सुसाइड के लिए प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन, सुसाइड का जो ट्रीटमेंट पार्ट होता है उससे रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस बनते हैं अच्छे वाले हैं, ठीक है। सुसाइड के टाइप्स वो होता है ना कि सुसाइड करने के टाइप कौन कौन से, मेल में ज्यादा कॉमन है, फीमेल में ज्यादा कॉमन है, ये सारे आज तक पूछे गए क्वेश्चंस है, ठीक है। और इनमें ध्यान रखना एक न्यूरो ट्रांसमीटर से रिलेटेड है ना टॉपिक जरूर पढ़ लेना, ठीक है। जितने भी न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामिन है, सेरोटोनिन है, ठीक है, तो इन सबसे रिलेटेड एसिटाइल कोलिन है, तो इन सबसे रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर होते हैं इनके बढ़ने से, इनके कम होने से, या कौन से पर्टिकुलर डिजीज में कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर अफेक्ट होता है, ये सारी चीज आपको पढ़नी है, इन्हीं से क्वेश्चन फ्रेम हुए आज तक, ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से वही सारे टॉपिक बताए हैं जो एक्चुअल में एग्जाम में आने लायक हैं, और मैं तो कहता हूँ 101% इनमें से क्वेश्चंस आने ही आने वाले हैं, ठीक है। इनको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना आपको, ठीक है। और एट द एंड मैं तो यही कहूंगा
ऐसा नहीं होता है कि वो होता ना कि एक सब्जेक्ट को फेवरेट बना लिया, उसको पढ़ लिया, हम उसके साथ इमोशनली अटैच हो जाते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ, तो उसको छोड़ते नहीं है, बाकी सारी सब्जेक्ट में मन ही नहीं लगता है तो उनको पढ़ते ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉर्सेट आपसे क्या चाहता है, नॉर्सेट आपको आपसे ये चाहता है एज एस्पिरेंट कि वो बिल्कुल एग्जैक्टली उसको चाहिए कि ऐसे पर्सन होने से, ऐसे नर्सिंग ऑफिसर उसको चाहिए कि जो हर एक डायरेक्शन में सोच पाए, है ना। वो होता है ना कि हर एक सब्जेक्ट को इच एंड इक्वल इंपॉर्टेंस दे, हर एक डायरेक्शन में सोच पाते हैं, वो हर एक तरीके से सोच पाते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग उनकी अच्छी होती है। तो ऐसे उनको पर्सन ही चाहिए कि नहीं, सर मेरी तो एमएसएन फेवरेट है तो इस बार तो एमएसएन से आपको क्वेश्चन दे दें, या आप जब आप नॉर्सेट दे के आओगे तो उसमें पता लगा बाकी सारे सब्जेक्ट से पूछे गए एमएसएन से बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए, या फंडामेंटल से बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए, या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से तो क्वेश्चन आए नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है। और मैं तो ये कहूंगा कि हर एक सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट वो होता है ना कि एक ही तरीके की इम्पोर्टेंस देनी है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस ज्यादा दे रहे हो, कुछ को कम दे रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एंड बाकी और सब्जेक्ट पे भी मैं टॉपिक्स लेके आऊंगा, और टिल देन थैंक यू सो मच। और नॉर्सेट देने के बाद में आके इन वीडियोस पे कमेंट जरूर करना कि सर देखो इसमें से ये कितने कितने क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, ये भी होगा आपके साथ में, ठीक है। और थैंक यू बाद में बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, टिल देन थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।